जो व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है उसको हर जगह क्या दिखती है, खूबियां दिखती है। और जो इंसान दूसरों में खूबियां देखता है उससे सब प्यार करते हैं। और अगर आप हमेशा दूसरों में खामियां निकालते रहोगे, दूसरों में बुराइयां निकालते रहोगे, दूसरों पे क्रिटिसाइज करते रहोगे, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आपसे क्या करेंगे, दूर भागेंगे। इसलिए सबसे प्यार करो। याद रखना मेरी माताओं बहनों मित्रों, जो भी आप सुन रहे हो, जो इंसान द्वेष करता है, दूसरों से चिढ़ता है, दूसरों से नफरत करता है, दूसरों की निंदा करता है, एक वक्त आता है वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। यहां तक कि उसके परिवार वाले भी आहिस्ता आहिस्ता उससे जी दूर हो जाते हैं। हमेशा कोई ना कोई खामी निकालना, कोई ना कोई क्रिटिसाइज करना, कुछ ना कुछ करते रहना, ये जो स्वभाव है ये आदमी को क्या कर देता है जी, क्या कर देता है, अकेला कर देता है। क्योंकि वो समझता है मैं ही ठीक हूं, बाकी सब गलत है, मैं ही ठीक हूं, बाकी सब गलत है, मैं ही ठीक हूं, बाकी सब गलत है। याद रखना, आप बोलो ना बोलो, आपके नेगेटिव वाइब्रेशन दूसरों पे बड़ा असर करते हैं और उसकी वजह से कोई आपके साथ रहना पसंद नहीं करता है, ना ही कोई आपको अपने साथ जी रखना पसंद करता है। इसीलिए कृष्ण ने गीता में बहुत स्पष्ट कह दिया है, अद्वैष्ट सर्वभूता नाम। अच्छा, जो किसी से द्वेष नहीं करता, यहां तक ये बात पूरी नहीं होगी, द्वेष नहीं करना है, लेकिन साथ साथ मैत्र करुण एवच, सबको मित्र बनाइए अपना, सबको मित्र बनाइए अपना। और मित्र कब बनेंगे, जब आप सब पे क्या करोगे, दया करोगे, करुणा करोगे, सबकी फीलिंग को समझोगे, सबके दुख को समझोगे, सबके दर्द को समझोगे और उसको बांटने की कोशिश करोगे। इसीलिए जो आदमी निंदा करता रहता है, पता है एक बात बताऊं, आप जब किसी के पास किसी की निंदा करते हो ना, तो सुनने वाला सुनता है लेकिन मन में सोचता है ऐसे फालतू है, वो आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा। उस समय वो आपकी हां में हां भी मिलाएगा, सुर में सुर भी मिलाएगा और ताल में ताल भी मिलाएगा, लेकिन मन से कभी आपके रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको पता है ये ऐसे ही फालतू है, सबकी निंदा ही करता रहता है। आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। और जब आप सबसे प्यार करोगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी और लोग बोलेंगे बहुत अच्छा आदमी है, ऐसे बोलेंगे ये इतना अच्छा आदमी कि आज तक मैंने इसके मुंह से किसी की निंदा नहीं सुनी, कभी किसी की बुराई इसके मुंह से नहीं सुनी, हमेशा सबके लिए अच्छा बोलता है। इसीलिए कहता हूं जला सको तो जी दीप जलाओ, दिल जलाना छोड़ दो, और लगा सको तो और आग लगाना छोड़ दो। तो ये जब हम किसी की निंदा करते हैं तो समझ लो क्या कर रहे हैं जी, आग लगा रहे हैं। देखिए मेरा मतलब ये नहीं कि आप कोने में बैठ के खाली माला घुमाओ, जो माला घुमा रहे हो वो आपके व्यवहार में भी हो, आपके व्यवहार में कृष्ण हो। क्योंकि कृष्ण कहते हैं मैं सबसे कौन हूं, ऊंचा हूं। तो जब आप ऊंचा किसी के साथ व्यवहार करते हो तो व्यवहार भी क्या है, कृष्ण, दैट इज कृष्ण। क्यों कि एक बात रखिए, भगवद गीता के 10वें
अध्याय के अंत में क्या करते, अर्जुन तू ये सब डिटेल में क्यों पूछ रहा है, जो भी सुंदर है वो मैं हूं, जो वैभवशाली है वो है मैं हूं, जो महान है वो मैं हूं। तो अगर आपके व्यवहार में कृष्ण है तो कैसे कृष्ण है आपके व्यवहार में? जब आप किसी की निंदाएं करते हो, जब आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हो, जब किसी को आप तुच्छ सिद्ध करना चाहते हो, जब आपके मन में किसी के प्रति चिढ़, नफरत, द्वेष और शब्द आपके कटीले और नोकीले होते हैं, उस समय आपकी जबान पे कृष्ण नहीं कंस होता है।